इतना मैंने करंट गवर्नमेंट के बारे में समझा, ये डेफिनेटली पता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर पे फोकस है। राघव चड्ढा आए थे शो पर, उन्होंने कहा कि गवर्नेंस और स्टार्टअप्स में ये फर्क होता है कि स्टार्टअप्स में आप 0 से 1 तक लेके जा रहे हो, फिर उस 1 को 10 में बदल रहे हो, पर गवर्नेंस में आप अपने देश को या अपने स्टेट को इनहेरिट करते हो प्रीवियस गवर्नमेंट की वजह से। पर मैं ये मानता हूं कि हर भारतीय नागरिक अपने देश का भलाई चाहता है, ये मैं पूछना चाहूंगा। उस गवर्नमेंट की इकोनॉमिक स्ट्रेटजीज क्या थी वर्सेस हमारी करंट गवर्नमेंट की इकोनॉमिक स्ट्रेटजीज क्या है? सरकार जो है स्टार्टअप की तरह नहीं सोचना चाहिए। जहां तक नीतियों का, ये जो लाइटें लगी हुई है इसके लिए बिजली लगती है, और ये बिजली का खर्च यदि मैं नहीं दूंगा तो मैं फ्री में बिजली इस्तेमाल कर रहा हूँ। कई बार होता है कि पानी लोग खुला छोड़ देते हैं, इनको लगता है पानी तो फ्री आ रही है तो पानी को मैं क्यों सेव करूं। जो चीज फ्री मिलती है जनरली लोगों को उसका भाव समझ में, बिजली पानी, बिजली का बिल भरोगे, ध्यान से उसका इस्तेमाल करोगे। जो भी चीज फ्री में मिलती है उसको वैल्यू नहीं करते। आपको यदि खाना फ्री में मिल रहा है तो शायद आप उसको वैल्यू नहीं करोगे, आप खाना फेंकोगे। इसीलिए मैं ये जो पैसे का इस्तेमाल जो कर रहा हूं, जो टैक्स रेवेन्यू आता है, यदि आप फ्री चीजें देते हो तो वो मेरे अनुसार उसका अच्छा इस्तेमाल नहीं हुआ।